जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आज साकेत महाविद्यालय प्रेक्षागृह में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा बहुओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद लल्लू सिंह ने दीप जलाकर किया। इस सम्मेलन में 11 ब्लॉकों की सभी आशा बहुओं ने भाग लिया। सम्मेलन का संचालन अमित कुमार ने किया। सम्मेलन में जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक को बुके देकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी महोदय ने अपील किया कि लड़के लड़की में किसी तरह का भेदभाव न करने के लिए आप लोग अपने क्षेत्र के लोगों को समझाएं। डॉक्टर पाठक ने कहा, एक लड़की शिक्षित होकर ही नए समाज का निर्माण करती है और परिवार का स्तर बढ़ता है। जिस प्रकार हमारे दो आँखें हैं, यदि एक आँख बंद कर ले तो काने हो जाएंगे, उसी प्रकार बिना लड़की के समाज असंतुलित हो जाता है। अतः किसी भी हाल में महिला भ्रूण हत्या न होने पाए। डॉक्टर पाठक ने कहा कि आप लोग रिपोर्ट समय से दें। साथ ही कहा, हम आपसे टॉयलेट बनवाने का अनुरोध करते हैं, सभी आशा बहुएं टॉयलेट बनवाएं, ये आपका ऋण हमारे ऊपर होगा। इस मौके पर जिलाधिकारी के अलावा सांसद विधायक वेद गुप्ता, एसपी सिटी, एडीएम सिटी विंध्यवासिनी राय, डॉक्टर एके सिंह, सीएमओ सहित पूरा स्वास्थ्य विभाग मौजूद था। इस मौके पर 3 आशा बहुओं को जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार 5,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रूपया व तृतीय पुरस्कार 1,000 रूपए का चेक देकर सम्मानित किया। वहीं 11 ब्लॉकों से प्रत्येक ब्लॉक में 3 आशा बहुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसा है कि आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो आशा सम्मेलन है। आपको मालूम है कि जो आशा की नियुक्ति हुई है, एक हमारे समाज के जो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इनका काम है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चे, मतलब गर्भधारण से लेकर के और प्रसव तो प्रसव के बाद तक उनका सारा काम है, उनका टीकाकरण से लेकर के माताओं का, बच्चों का, उसके अलावा उनको शिशुओं की कैसे देखभाल करनी है, इसके अलावा परिवार के विकास के लिए परिवार नियोजन संबंधित जो भी कार्य हैं वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और सरकार इनको प्रेरित करने के लिए जो लोग ऐसे हैं उनको लाभार्थी, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है जिसमें 5,000 रुपये की सहायता है ऐसी महिलाओं को जो गर्भधारण करती हैं और बच्चे प्रसव बच्चे का जन्म देती हैं, इसी तरह से तमाम योजना में इनको भी मानदेय की व्यवस्था की गई है। इन चीज़ों को करने के लिए सभी को बुला करके सामूहिक रूप से किनके जो दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं उसके बारे में इनसे भी फीडबैक लिया जाए और इनको कुछ बताया भी जाए कि योजनाएं चल रही हैं, किस रूप में उसको लागू करना है, किस रूप में क्रियान्वित करना है। उसी कड़ी में आपको मालूम है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें महत्वपूर्ण जिसका कंपोनेंट है वो है स्वच्छ शौचालय, कि लोग शौचालयों का निर्माण करें, शौचालयों का प्रयोग करें, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, ये अवसर था। इसके अलावा इनका घर घर में प्रभाव है, विशेषकर महिलाओं के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, आती जाती हैं, तो इनके माध्यम से मैंने अपील की कि स्वयं भी शौचालय बनाएं और शौचालय बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। और मैंने जो इनको सहायता, अगर ऐसी स्थिति में हैं लोग, तो हमारे यहाँ जो बेसलाइन सर्वे हुआ है उसमें जिनका नाम है ऑलरेडी, तो उनको 12,000 रुपये देने की व्यवस्था है, इनको हम वो धनराशि उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी हम क्या मदद किस रूप में कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये लोग लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और लोग बच्चों के, माताओं के टीकाकरण से लेकर के, और सब संस्थागत प्रसव है, आपको मालूम है अभी भी तमाम ऐसे प्रसव हो रहे हैं, घर में हो रहे हैं, और वहाँ एक कॉम्प्लिकेशन आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चा जननी जो है पैदा करने वाली माँ और उसके अलावा बच्चा दोनों की जान को रिस्क रहता है। और संस्थागत प्रसव से क्या होता है कि वहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं हैं, हमारे कुशल जो है चिकित्सक हैं, वहाँ हमारी ट्रेंड ANM हैं, सारी चीज़ें हैं कि जो ऐसे कॉम्प्लिकेशन में, ऐसे किसी ऐसी स्थिति में जहाँ की कोई बच्चे के लिए या माँ के लिए कोई खतरा है या कोई संकट आ रहा है, तो वो दवाओं के माध्यम से और चिकित्सीय उपाय से उसका उपाय कर सकते हैं, और हमारे जो रेफरल सेंटर्स हैं उनको भी वहाँ से एम्बुलेंस हमारी है रेफर कर सकते हैं। इन्हीं दृष्टियों से इन लोगों को यहाँ पर हमारा जो बोध हुए था, माना कि उनकी बातें हम सुने और अपनी बातें हम उनको सुनाएं और समझाएं, और साथ ही साथ इनको स्वच्छता से, और साथ ही जो आपने हम देखा, हमने अभी बहुत बुजुर्गों का सम्मान करना, फिर जो लिंग भेद है, बेटी बेटे में भेदभाव है, उन सब बारे में भी हमने बात किया, क्योंकि अच्छा फोरम था, अच्छा मंच था, इनकी पहुँच लोगों तक है, इसके माध्यम से हमने अपील की है। जो आशा सम्मेलन जिसका जो किया गया है, ये हर साल में एक बार होता है, ये किया गया। इसमें जो अच्छा काम करने वाली आशाएं हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है
जो आशा से संबंध नहीं है हमारे सभी कार्यक्रमों में हमारी हेल्प करती हैं और बदले में उनको उचित मानदेय दिया जाता है। आज शानेवध में मेरांतारी मेडी सिटी हॉस्पिटल गुड़गांव एवं स्वर्गीय ध्रुव चंद्र मानव सेवा संस्थान फैजाबाद के संयुक्त तत्वाधान में दिव्य हॉस्पिटल में निःशुल्क अस्थि रोग एवं स्पाइन रोग की जांच डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर धर्मेंद्र यहां पर यह सुविधा फैजाबाद के नागरिकों को देने के लिए आए थे और शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत किया। इस मौके पर दिव्य हॉस्पिटल के डॉक्टर वीपी सिंह व मेदांता के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित थे। हमने यहां पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित मरीजों का इलाज किया है, जिनमें बहुत सारे मरीजों को स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, बहुत सारे मरीजों को उसमें सियाटिका था, सर्वाइकल स्पंडोसिस थी, लंबर स्पंडोसिस थी और कुछ मरीजों को स्पाइनल फ्रैक्चर भी थे। कुछ मरीजों को स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस और उसके कारण जो फ्रैक्चर थे उन्होंने देखा है और उनका इलाज किया है, उचित परामर्श दिया है हमको। आपके साथ शिविर में कौन कौन लोग इसमें मौजूद हैं, डॉक्टर हैं और आपके संस्था के लोग? हाँ, हमारी टीम थी, हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे और हमें इसमें जो दिव्य हॉस्पिटल की टीम का भी पूरा सहयोग मिला है और मिस्टर अग्रवाल ने भी पूरा सहयोग किया है जिसके साथ हम इस शिविर को संचालित कर सके और कर सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है कि आजकल मैक्सिमम टाइम लोग बाइक चलाते हैं तो उनको बाइक पेन और स्पंडलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इसका प्रकाशन कह लिया जा सकता है? ये जो स्पाइन की ज़्यादातर बीमारियाँ जो यंग एज पॉपुलेशन में होती हैं, उसमें जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें अपने शरीर को ठीक से नहीं रख पाते और ना ही उसका हम ठीक से बचाव कर पाते हैं। उससे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बीमारी को पहले शुरू ही ना होने दो और उसके लिए बचाव ज़रूरी है। और यंग एज के लिए बचाव में ये है कि वो अपने जो स्पाइन की पोजीशन है, जो स्पाइन का पॉस्चर है, उसको विशेष तौर से ध्यान में रखें। चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, चाहे आप कार चला रहे हों, चाहे आप ऑफिस में बैठे हों, अपने स्पाइन के पोस्चर को विशेष तौर से ध्यान में रखें। बाइक चलाते समय अगर गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, तो अपनी बाइक की स्पीड को स्लो कर लें। अगर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी स्पीड ब्रेकर या गड्ढे में कुदाते हैं, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी या जो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है उसको झटका लगने का या उसको चोट लगने का खतरा होता है, उससे आपको बैक पेन या गर्दन में दर्द आ सकता है। दूसरा यह है कि अगर गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, आप उस पर तो अपने बैठने के या काम करने के पोस्चर को विशेष ध्यान रखें। पोस्चर ठीक रहेगा तो आपको दर्द होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और आप लंबे समय तक बिना दर्द के रह सकते हैं। क्या आगे भी इस तरह के कैंप चलते रहेंगे? ज्वाइंट पेन किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चों में या जो युवा वर्ग होता है उसमें एक दो बीमारियां होती हैं जो ज्वाइंट्स को प्रभावित करती हैं। वो बीमारियां जब होंगी तभी ज्वाइंट्स पेन होगा, लेकिन जो वृद्धावस्था होती है उसमें हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके बीच में जो गद्दी होती है, जो कार्टिलेज होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसके कारण ज्वाइंट पेन शुरू होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये लगभग हर वृद्धावस्था में हर आदमी को या औरत को होना स्वाभाविक है। आज गांधी पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बैठक कर आंदोलन के दौरान मृत 400 शिक्षा मित्रों की मौत पर शोक सभा किया और उनकी मौत पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर दुर्गेश मिश्रा अध्यक्ष, ओम प्रकाश यादव, राकेश तिवारी, रामदर्शन यादव, अमरेश वर्मा, तिलक राम निषाद, विनय चौहान, महेंद्र मिश्रा, हरि नारायण गुप्ता आदि उपस्थित रहे। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों की बर्खास्तगी के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 400 से ऊपर शिक्षा मित्र आकस्मिक देहांत का शिकार हुए हैं, चाहे उन्होंने आत्महत्याएं कर ली इस गंभीर प्रकरण के कारण और चाहे वो हार्ट अटैक से मरे हुए हैं। उनकी आत्म शांति के लिए आज यहां श्रद्धांजलि सभा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले आयोजित की गई। इसके बाद अगला कुछ कार्यक्रम शिक्षा मित्रों का सम्मान बचाने के लिए संगठन न्यायिक प्रक्रिया से आगे क्यूरेटिव दाखिल करेगा। इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को जो टेट पास थे, जो टेट पास नहीं थे, दोनों को समायोजित करने का मौका दिया गया, जो टेट पास नहीं थे उनको 2 वर्ष का मौका दिया गया कि वो टेट पास करके अपनी इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। इसी आधार को मानते हुए उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों को इस तरह से राहत दी जा सकती है। आपने मध्य प्रदेश में भी राहत दी है और आज
बड़ी विषम परिस्थितियां हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हताहत होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने आश्वासन दिया था, संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को रखा था, परंतु उनकी समस्याओं का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। प्रत्येक दिन शिक्षा मित्रों का देहांत इस तरह से हो रहा है, उनका परिवार बेघर हो रहा है, बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ये बेहद पीड़ा और कष्ट का विषय है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है, शिक्षा मित्र संघ जिलाध्यक्ष। आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 25,000 लगभग शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय